ये मेरे एंथोरियम का प्लांट है जो मैं आज रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि छोटे पॉट में होने की वजह से ये रूट बाउंड हो रहा है और अच्छे से प्लांट खिल नहीं रहा है, तो इसको मैं आज रिपोर्ट करूंगी 2 गमलों में। इस तरह से इसको वाटरिंग करनी है, पानी इस तरह से पानी नीचे डाल के रखना है, करीब आधे घंटे तक रखने से हफ्ते में एक बार इस तरह से की वाटरिंग होती है। ये मैंने पॉट में हाफ हाफ सॉइल भर लिया है, इसके बाद मैं इसको करूंगी। देखिए इसमें काफी रूट बाउंड हो रहा है, काफी रूट। बहुत हल्के हल्के से सावधानी के साथ, बहुत ज्यादा केयर के साथ इसको खोलना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से सारा पानी हुआ है। ये देखिए ये 2 प्लांट्स अलग हो गए हैं, इसको मैं 2 पॉट में अलग अलग फिक्स करूंगी। थोड़ा सा पोर्शन ऊपर रखना है, पूरी तरह से इसको सॉइल के अंदर नहीं कर देना है। छोटा सा इसमें पहले बहुत सारे फ्लावर्स आए थे, अब ये रूट बाउंड की वजह से इसमें फ्लावरिंग भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो ये छोटा सा अभी एक निकल रहा है और साथ पास में और भी सारे छोटे छोटे बहुत सारे निकल रहे हैं, तो अब मैंने इसको अलग कर दिया है। अब इसका मैं रिजल्ट आपको बाद में बताऊंगी। देखिए रूट कैसे बाउंड हो गया, बहुत ज्यादा रूट बाउंड हो गया था जिसकी वजह से ग्रो नहीं हो रहा था प्लांट। और ये एंथोरियम के प्लांट में बहुत ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, इसको हफ्ते में एक बार पानी देना चाहिए, ऊपर से पानी ना दें, इसमें ज्यादातर नीचे से ही पानी को दें, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। और ये इंडोर प्लांट है, इसमें ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं होती, लाइटेड एरिया की जरूरत होती है, बहुत तेज धूप में नहीं रहती।
और इसमें करीब आप महीने में एक बार थोड़ा फर्टिलाइजर दीजिए, और लाइट फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं जाना चाहिए। देखिए मेरे दो प्लांट्स बन गए हैं, एक ये और एक ये एंथूरियम। देखिए इसमें छोटा सा फ्लावर भी आ रहा है। ये मेरा करीब एक साल पुराना प्लांट है, इसमें पहले बहुत सारे फ्लावर्स आए थे। मैं आपको पहले इसे मैं फोटो दिखाऊंगी आगे। और ये अभी मेरा बहुत ज्यादा रूट बाउंड हो रहा था, इसमें फूल नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको दोनों को अलग कर दिया है। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।